Towers as a Sue, right to rock your day with a video who actually caught Toto Dial, यानी कि किसने actually में Toto Dial को पकड़ा था, क्योंकि Toto Dial को पकड़ने के लिए दोनों ने ही Pokeballs फेंके थे। उसके बाद blip of the second में अचानक से दिखाया गया कि Toto Dial कैप्चर वो किसका Pokeball था, ये कभी भी कंफर्म नहीं हुआ। तो चलिए देखते हैं कि ऐसा क्यों हुआ होगा। तो सबसे पहले तो एश और विस्टी को मिले थे दो स्पेशल वाटर बॉल जो कि उन्हें कर्ट से मिले थे। कर्ट एप्रिकॉन से बहुत अच्छी पोकीबॉल बनाता था, पोकीबॉल बनाने में मास्टर था एप्रिकॉन से, तो उसने उनको दो स्पेशल वाटर टाइप बॉल्स दी थी। उसके बाद जैसे ही इन्होंने Toto Dial को देखा, दोनों ने ही अपने पोकीबॉल्स फेंक दिए Toto Dial को कैप्चर करने के लिए, क्योंकि दोनों को ही वो पोकेमॉन चाहिए था। एश को तो चाहिए था, मिस्टी तो वाटर टाइप स्पेशलिस्ट थी तो उसको भी Toto Dial चाहिए था। एक्चुअली में हुआ क्या, क्योंकि दोनों ने ही अपने पोकीबॉल्स फेंके, पर उसको पकड़ा किसने? तो इसका आंसर है कि इस क्लिप को ध्यान से देखिए। जब एश और मिस्टी ने दोनों ने ही अपने पोकीबॉल्स फेंकी थी, तो जो मिस्टी की पोकीबॉल थी That didn't even touch Toto Dial, उसने Toto Dial को छुआ ही नहीं, वो Toto Dial के ऊपर से निकल गई। पर Ash की पोकीबॉल साफ साफ उसके फोरहेड पे लगी है, और हम जानते हैं अगर कोई पोकीबॉल किसी को टच ही नहीं कर रही है तो वो उसको पकड़ नहीं सकती ना पोकीमॉन को, क्योंकि मिस्टी की पोकीबॉल वहाँ Toto Dial को टच ही नहीं हुई है और Ash की पोकीबॉल साफ साफ उसके फोरहेड पे लगी है। तो Toto Dial एक्चुअली में आशी का पोकेमॉन है, उसी ने पकड़ा था और थैंक गॉड वही जीता। और हाँ, ये सब कंफर्म नहीं है, वो तो मुझे जो देखने से लगा बार बार वो क्लिप को वॉच करने पे वो मैंने बता दिया। इट कैन बी रॉन्ग। आपका क्या ओपिनियन है बताइए कमेंट सेक्शन में। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन, हिट द लाइक बटन, एंड बाय बाय।